नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बवासीर की बहुत ही असरकारक दवा FST-5DS के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। पूर्व चिकित्सक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि FST-5DS की 5 दिन तक की खुराक लेने से बवासीर को पूर्ण आराम हो जाता है। फिर भी कुछ बवासीर रोगी जिनका रोग काफ़ी साल पुराना होता है, उनको इसका प्रयोग लगभग 20 दिन तक करने से पूर्णतः आराम पड़ सकता है। इसीलिए FST-5DS सिरप एवं कैपलेट्स 28 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। FST-5DS सिरप एवं कैप्सूल किट का प्रयोग क्यों करें? FST-5DS सिरप एवं कैपलेट्स किट विशेष तौर पर बवासीर की प्रत्येक तकलीफ को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। चूंकि बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यवस्थित एवं निरंतर उपचार की आवश्यकता होती है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यूनिक ड्रग्स लेबोरेटरीज हर्बल डिवीजन द्वारा यह सिरप एवं कैप्सूल किट का निर्माण भारत में सर्वप्रथम किया गया है, ताकि बवासीर रोगी को संपूर्ण आराम हो सके। इस किट में शामिल है FST-5DS सिरप की 200 ml की कांच की शीशी तथा 10 कैप्सूल का ब्लिस्टर पैक, जो कि FST-5DS सिरप की शीशी के साथ ही रखा गया है। FST-5DS सिरप एवं कैप्सूल किट का उपयोग कैसे करें? FST-5DS सिरप की पहली खुराक के रूप में बवासीर रोगी को 20 ml दवा पहले 5 दिन सुबह एवं रात को खाना खाने के बाद पानी में मिलाकर पीना चाहिए। मेंटेनेंस डोज 20 ml दवा 10 दिन तक रात को खाना खाने के बाद पानी में मिलाकर पीना चाहिए। कैपलेट्स 1 कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद तथा 1 रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ प्रयोग करने पर ही सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। 5 दिन तक इसी प्रकार से लेना चाहिए। प्रतिकूल प्रभाव FST-5DS सिरप एवं कैप्सूल आमतौर पर निरापद पाए गए हैं। मामूली आमाशय तथा आंत संबंधी प्रतिक्रिया पाई गई है, जैसे पतले दस्त होना तथा पेट में हल्की सी जलन होना। वैसे आमतौर पर यह प्रभाव प्रत्येक बवासीर रोगी पर लागू नहीं होते। FST-5DS सिरप और कैप्सूल कैसे सबसे ज़्यादा असरकारक हैं? बवासीर का अर्थ गुदा और मलद्वार के समीपवर्ती शिराओं में सूजन आ जाना एवं फूलकर बाहर की तरफ आना। बवासीर मलाशय की श्लेमिक झिल्ली में विस्तारित रक्त वाहिनियाँ हैं, जो कि गुदा की नली में एक मस्सा बना देती है। उन्हें चिकित्सा जगत में बवासीर या हीमोराइड्स कहते हैं। बवासीर में आमतौर पर जो कष्ट होते हैं वे हैं रक्त स्त्राव, गुदा में कष्ट, मलद्वार के आसपास बहुत खुजली होना, मलद्वार के आसपास बहुत दर्द होना, गुदा वर्ण विदर आदि। पूर्व चिकित्सीय अध्ययन से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई है कि यह औषधि बवासीर के लिए एक प्रभावशाली औषधि है। वस्तुत FST-5DS सिरप एवं कैप्सूल बवासीर के प्रत्येक कष्ट पहलू का ध्यान रखता है। इस FST-5DS सिरप एवं कैप्सूल में उन सभी अति प्रभावकारी औषधियों का मिश्रण है जो गुदा से होने वाले रक्तस्राव को तेजी से रोकते हैं एवं पुनः होने वाले खतरे को कम करते हैं। इसीलिए इस औषधि FST-5DS सिरप व कैप्सूल के हर्बल एक्सट्रेक्ट में अल्कलाइडो एवं फुलेवोनाइडो का प्रयोग किया गया है, जो इस औषधि को बवासीर की समस्त तकलीफों को दूर करने के लिए अत्यधिक असरकारक बनाते हैं। गुदा से रिसाव व खुजली। गुदा से रिसाव और तत्संबंधी खुजली बवासीर का एक अन्य इकाई लक्षण है। इस औषधि के एल्कलाइड व फ्लूनवाइड गुदा से स्त्राव एवं मलद्वार के आसपास खुजली को कम करते हैं। FST-5DS सिरप का और कैप्सूल का प्रयोग कब करें? FST-5DS सिरप एवं कैप्सूल बवासीर के लक्षण प्रकट होने पर लेने से अत्यधिक राहत पहुंचाता है। FST-5DS सिरप एवं कैप्सूल में ऐसी औषधियों का प्रयोग किया गया है जो पानी को सोखकर मल की मात्रा बढ़ाता है, कब्ज दूर करता है,
और शौच निवृत्ति को आसान और आरामदायक बनाता है। याद रखें, FST-5DS के परिणाम बवासीर के भिन्न भिन्न मरीजों पर परिस्थितियों अनुसार भिन्न भिन्न असर हो सकता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी सेवन विधि। इसको पहले 5 दिन 20 ml सुबह 20 ml शाम आधा ग्लास पानी में डालकर पीना चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस डोज के लिए 10 दिन तक 20 ml डेली एक बार लेना चाहिए। और इसके कैप्सूल को पहले 5 दिन सुबह शाम एक एक के हिसाब से, उसके बाद अगले 10 दिन तक रोज़ाना एक बार खाना चाहिए। FST-5DS सिरप एवं FST-5DS कैप्सूल को ठंडी व खुश्क जगह पर रखना चाहिए। इस सिरप और कैप्सूल को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी FST-5DS सिरप और कैप्सूल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।